नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। लोकसभा चुनाव के बाद एक मुद्दा ऐसा सामने आया जो आपके होश उड़ा देगा। अभी तक आपको भी ऐसा लगता होगा कि आरएसएस और बीजेपी ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन अगर हम आपको कहें कि ऐसा नहीं है तो आप क्या हमारा विश्वास करेंगे? जी हाँ, कुछ ऐसे पहलू अब निकल कर सामने आ गए हैं जिससे साफ हो गया है कि आरएसएस धीरे धीरे अपना नाता बीजेपी और सियासत से तोड़ने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने सरकार को ही सवालों के घेरे में ले लिया है। मामला कुछ ऐसा हो गया है जिससे लग रहा है कि पीएम मोदी के लिए अब भगवा का राग अलापना मुश्किल होने वाला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने सरकार को खास नसीहत देते हुए अपना पल्ला सियासत से झाड़ लिया है। देखिए ये रिपोर्ट, ये तस्वीर देखिए। बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये रिश्ता काफी पुराना है, लेकिन बीते 10 सालों में इन दोनों को एक ही तराजू में तौला गया। बीजेपी के हर फैसले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ बताया गया, लेकिन अब खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत ने कुछ ऐसा बोल दिया है जो आपको हैरान कर देगा। जिस मणिपुर में विपक्ष ने सरकार को बीते साल जमकर घेरा, जिस मणिपुर में महिलाओं की इज्जत सरेआम तार तार हुई, जिस मणिपुर पर पीएम मोदी ने आज तक संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया, उस मणिपुर पर अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि मणिपुर विवाद को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में हो रही हिंसा को रोका जाना चाहिए। अब मोहन भागवत के बयान को संकेत में सही मोदी सरकार की आलोचना के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने क्या कहा, पहले तो आप खुद सुनिए। अब एक साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है, कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। बता दें कि पिछले साल 3 मई को मणिपुर में हिंसा भड़की थी। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच लंबे समय से चला आ रहा तनाव हिंसा में बदल गया था। शुरू के 3 दिनों में कम से कम 52 लोगों की जान चली गई थी। मणिपुर में पुरुषों की भीड़ ने 2 महिलाओं के साथ रेप कर उनको नग्न अवस्था में गलियों में घुमाया था, लेकिन सरकार ने कोई खास कदम नहीं उठाया। विपक्ष ने भी जमकर हंगामा किया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पिछले साल अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पीएम को मणिपुर में जारी हिंसा से ज्यादा इसराइल हमास युद्ध में दिलचस्पी है। राहुल गांधी ने कहा था, ये मेरे लिए आश्चर्यजनक है कि प्रधानमंत्री और भारत सरकार को इसराइल में क्या हो रहा है इसमें इतनी दिलचस्पी है, लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। बहरहाल अब इसी मणिपुर हिंसा को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है जो चर्चा का विषय है। मोहन भागवत ने साफ कहा कि आरएसएस जैसे संगठनों को सियासत में बेवजह घसीटा गया, यानी कि देखा जाए तो जिस तरह से इस बार चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, वो इस बात का कहीं ना कहीं सबूत तो है ही कि जनता बीजेपी के मुद्दों पर बात न करने से नाराज है। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान जहां सरकार के लिए नसीहत है, तो वहीं नई शुरुआत का संकेत भी है। इस बार सरकार भगवा रंग में पूरी तरह ढल कर काम कर पाएगी, इस बात पर सवाल है। वहीं इस बार मुद्दों पर सरकार को बात करनी होगी, अगर ऐसा नहीं किया तो खामियाजा अगली बार सत्ता गवा कर भी चुकाना पड़ सकता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।